तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम एक शॉट में या बहुत डिटेल में लिख लिख के बढ़िया से यूनिट एंड मेजरमेंट को ख़त्म करेंगे। इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, ईमानदारी से इसी को देखना है, ठीक है? अच्छे से रिवाइज करना है और आपको मज़ा आएगा इस चैप्टर में, मेरी गारंटी है। बस देखते रहो, बने रहो, बन जाओगे। मेरा डायलॉग है, बने रहो, बन जाओगे और पक्का बन जाओगे, देखो, ठीक है? यूनिट एंड मेजरमेंट, चलो इसमें वो छोटी छोटी कहानी नहीं होती कि भाई तुम यूनिट की जरूरत क्यों है, तुम्हें मेजरमेंट की जरूरत क्यों है, ये तो पता ही है भाई। जैसे मैंने बोला यूनिट की जरूरत क्यों है, आपको पता है यूनिट बताता है चीज़ें बड़ी है कि छोटी। मैंने बोला 5 मीटर, तू समझा बड़ा। मैंने बोला 5 इंच, तू समझा छोटा। तो यूनिट क्या बता रहा है, यूनिट मीटर यूनिट है, इंच क्या है, यूनिट है। तो यूनिट से पता लगता है कि भाई कंपैरिजन पता लग जाता है। यूनिट के बहुत सारे और भी फायदा हो सकते हैं। मेजरमेंट की नीड क्यों है, मान ले तेरे भाई की शादी है और तेरे को उसको सरप्राइज देना है, गिफ्ट सूट देना है सरप्राइज, तो तू मेजरमेंट तो करेगा, बिना मेजरमेंट के ना सरप्राइज ना प्यार दिखा पाएगा। तो भाई मेजरमेंट की बड़ी ज़रूरत है मार्केट में, एक्सपेरिमेंट में, हर जगह, खाने पीने में, हर जगह मेजरमेंट की जरूरत है। बात समझ पा रहा है? अच्छा, मेजरमेंट की जरूरत समझ में आ गई, यूनिट की जरूरत समझ में आ गई। अब हम समझेंगे बेटा कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में। देखो समझो, क्वांटिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दो। तो हमने कहा क्वांटिटीज़। अच्छा सर, आपने बोल दिया क्वांटिटीज़। अच्छा, कितने प्रकार के होंगे क्वांटिटी, आपको ये तो पता ना क्वांटिटी क्या होता है, पता है आपको? मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटीज़ को कैसे डिफाइन किया गया, बोला गया दो तरह के होंगे। पहला होगा आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। सर दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। आप बोलोगे सर ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, सर ये ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या है सर? तो बस एक मिनट रुक जाओ, सब पता लग जाएगा। देखो फंडामेंटल, देखो फंडा, जब भी फंडामेंटल आए ना समझ लो इसका मतलब है बेस। क्या मतलब है इसका? बेस या बेसिक। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? सबसे बेसिक क्वांटिटी, सबसे बेसिक क्वांटिटी। और ड्राइव क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? जिसको हम ड्राइव करते हैं, जिसको कहीं से ड्राइव किया गया है। मैं भी समझाऊंगा और डिटेल में, एक मिनट रुक जाओ। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जो सबसे बेसिक है, जो सबसे बेस माना है हमने, जिसको हमने माना है, हमने माना है, इंसानों ने माना है, साइंटिस्ट लोगों ने माना है, ठीक है ना, फिजिक्स वाले लोगों ने माना है, केमिस्ट्री वाले लोगों ने माना है, सबसे बेस माना है, उसको मान लिया है। क्योंकि सबसे पहले हमें बेस बनाना पड़ता है, बेस, फिर उससे हम आगे बढ़ाते चीज़ों को। तो बेस किस किस को माना, अभी हम बहुत बेसिक बात करेंगे। तो जैसे कि मास, मास को बेस मान लिया हमने, तो बोला मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, सबसे बेसिक क्वांटिटी मास हो गया। वैसे उन्होंने बोला कि लेंथ, लेंथ एक बड़ी बेसिक क्वांटिटी है। वैसे ही बोला गया टाइम, ठीक है ना, हम तीन एग्जांपल ले रहे हैं, मास, लेंथ और टाइम, और सबसे ज़्यादा आप इसी से डील करते हो। तो इनको बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटी, सबसे बेस क्वांटिटी, इससे बेस कुछ भी नहीं हो सकता। अब सर ड्राइव क्वांटिटी बताओ, जिनको हम इससे ड्राइव करें, जिनको हम फंडामेंटल से ड्राइव करें, जिनको फंडामेंटल से ड्राइव करें। आप ठीक से वर्ड्स में लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा, जिनको फंडामेंटल से ड्राइव करें। एग्जांपल सर स्पीड, भैया स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है लेंथ अपॉन टाइम। तो आपने लिख दिया यहां पर लेंथ, नीचे लिख दिया टाइम, यानी स्पीड कैसे हुआ है, स्पीड इनसे ड्राइव हुआ है, लेंथ और टाइम से ड्राइव हुआ है, तो स्पीड कैसा हो गया, ड्राइव क्वांटिटी। वैसी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी ड्राइव क्वांटिटी। वैसी फोर्स, फोर्स भी ड्राइव क्वांटिटी। क्यों? फोर्स मास और एक्सेलरेशन से मिलके बनेगा। यानी कि समझ में आ गया ड्राइव क्या है, फंडामेंटल क्या है। फटाफट नोट करो, मैं सांस लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने कहा था कि फंडामेंटल यूनिट्स, सॉरी फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी हमारे पास होते हैं, सबसे फेमस लेंथ, मास, टाइम। वैसे हमारे पास और भी है, देखो कौन कौन से है हमारे पास, ये ठीक है ना, ये हमने बेस माना, ये हमने माना है बेस। किसी भगवान ने कान में आके नहीं बोला, सपने में आके नहीं बोला कि तू इनको बेस मान ले, फंडामेंटल मान, सबसे फंडामेंटल, सबसे बेस। ये हमने माना, हमने 7 क्वांटिटी को सबसे बेस माना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सबके बारे में आप जानते हो। लेंथ के लिए हो गया मीटर, मास के लिए केजी, यूनिट, यूनिट है या यूनिट, मास के लिए केजी, टेम्परेचर के लिए केल्विन, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए बताओ क्या हो गया, मोल। मुझे उम्मीद है कि आप इसे नोट कर लोगे, फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जब साइंस को बनाया जा रहा था तब उन्होंने 7 बेसिक क्वांटिटी माना, बोला इन 7 बेसिक क्वांटिटी से आप कुछ भी ड्राइव कर सकते हो, फोर्स, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, ये सब। लेकिन कुछ टाइम बाद ही झटका लगा जब उनको पता लगा वो 2 क्वांटिटी को भूल गए हैं। फिर बाद में इसमें ऐड किया गया, तो बोला गया सप्लीमेंट्री।
जो बाद में मिलता है उसको बोलते हैं ना सप्लीमेंट्री। तो हमारे पास दो क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी और जो बेसिक है लेकिन बाद में ऐड किया गया तो उनको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोला गया? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बात समझ पा रहे हो? सप्लीमेंट्री क्यों बोला गया? मतलब ये भी एक तरह से बेस है पर इसको भूल गए थे, बाद में डाला हमने इसको। तो कौन कौन सा है बेटा? एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा बेटा क्या होता है हमारे पास बताओ? दूसरा होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। सर प्लेन एंगल कौन सा सर? तो ये वाला बेटा, देखो एक लाइन है, एक प्लेन, यहाँ पर एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन, उनके बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं उसको? प्लेन एंगल। वैसे एक होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है? आपने आइसक्रीम खाई है कोन वाली, जो 3D में एंगल बनता है कोन, ऐसे कोन से जो एंगल बनेगा, कोन वाली एंगल, ऐसे देखो, ये देखो, ये जो एंगल बनेगा कोन के अंदर, यहाँ जो एंगल बनेगा 3D में, उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। अच्छा सर, सर इसकी यूनिट बताओ, इसकी यूनिट बताओ। तो इसके लिए बोलते हैं हम रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। इसके लिए बोलते हैं स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है ना? स्पेलिंग मिस्टेक हो आप देख लेना, ठीक है? स्टेरेडियन स्पेलिंग मिस्टेक ही है वैसे, कोई बात नहीं। क्या बात समझ में आ गया? तो इसके लिए रेडियन, इसके लिए स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कुल मिला के हमारे पास 9 ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम सारी क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं। ऊपर ऊपर से बात समझ में आ गई? फटाफट इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी और मेरी दोनों की एक मजबूरी है। मजबूरी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, कुछ याद करो ना करो, याद कर लेना CM का मतलब 10^-2, ठीक है? ये बहुत बार यूज होगा, ये फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होगा, पर 1 mark में आ सकता है ये वाला, कि भाई लाइट ईयर की वैल्यू बताओ, ये 1 parsec की वैल्यू बताओ, 1 astronomical यूनिट की वैल्यू बताओ, ये सब डिस्टेंस है। क्या ये डिस्टेंस? तो ये याद करो ना करो, आपकी चॉइस है, पर ये याद कर लो। यहाँ मैं जबरदस्ती बोलूँगा याद करने के लिए, मैं कुछ एग्जांपल यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। किसी ने बोला कि किसी की वेव लेंथ, इसको बोलते हैं लैम्डा यानी वेव लेंथ, अभी याद कर लो, बोले 10 nm, तो आप समझ जाओ nm का वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, तो आंसर कितना आएगा? 10^-10^-9। बात समझ पा रहे हो? nm की वैल्यू पुट कर दिया। अगर ये लेंथ है, लेंथ वेव लेंथ, तो मीटर लगा दो। किसी ने बोला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोला 12 ऐसे बोल दिया कुछ, 12 angstrom, फ्रीक्वेंसी बोल दिया 12 angstrom। चलो फ्रीक्वेंसी के लिए तो जनरली यूज नहीं करेगा वो, ठीक है, पर ध्यान रखना ऐसे यूज कर ले। चलो वेवलेंथ बोल दिया, मैंने बोल दिया कोई डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस बोल दिया 10 mm। क्या बोल दे? मिलीमीटर। तो 10 mm का मतलब क्या हो गया? देखो मिली रहा है, 2m, 10^-3 m। तो बेटा ये याद कर लो, जीवन सफल हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आए, इनकी वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म, काम खत्म। बस बात समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूँ इसे नोट कर लोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बेटा छोटी छोटी बातें करने के बाद हम सीधा जंप कर रहे हैं डायमेंशन पे, अकॉर्डिंग टू क्लास 11 सिलेबस। मेरे बच्चों, अगर ईमानदारी से आप इसको पढ़ लेते हो, बिलीव करो, कभी नहीं पछताना पड़ेगा, समझना। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान दो। अब डायमेंशन समझते हैं। डायमेंशन सर, डायमेंशन क्या होता है सर? डायमेंशन बहुत सुना है सर, पर डायमेंशन के लिए फील नहीं है सर, डायमेंशन के लिए बिल्कुल भी फील नहीं है। फील देखो, डायमेंशन का मतलब, बेसिक मतलब, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, मैं बताता हूँ डेफिनेशन, मैं बताता हूँ इजी डेफिनेशन। डायमेंशन का मतलब हो गया कोई क्वांटिटी कितनी बार किसी फॉर्मूले में आता है, ये डायमेंशन बताता है। यह डायमेंशन से पता लगता है, यही डायमेंशन बताता है, या यही डायमेंशन होता है, यही डायमेंशन बताता है, या यही डायमेंशन होता है। सर सर सर, मुझे समझ नहीं आया सर, तो समझना छोटी छोटी बातें। देखो मैंने कहा सुनो, कि आज से हम मास को बोला करेंगे कैपिटल M, सिंबल, एक तरह से मान लो सिंबल है। लेंथ को बोला करेंगे कैपिटल L, लेंथ यानी डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस ही तो लेंथ है, मेरी लेंथ का मतलब क्या है? डिस्टेंस ही तो है, तो लेंथ का मतलब डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही होता है। हाइट का मतलब भी यही होगा, हाइट का मतलब यही होगा, ब्रेथ का मतलब भी यही होगा, ठीक है? हाइट, विड्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, सबको L बोलेंगे। और मान लिया मैंने बोला टाइम को, आज से मैं कैपिटल T बोलूंगा, टाइम को आज से कैपिटल T बोलूंगा। अब डायमेंशन को समझ, डायमेंशन क्या है? कोई क्वांटिटी कितनी बार किसी फॉर्मूले में आता है, यही डायमेंशन बताता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। देख, मैंने लिखा वॉल्यूम,
तूने बोला वॉल्यूम में तीन बार डिस्टेंस आएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए सर ने अभी एल बोला, तो एल 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 क्यूब एल क्यूब। तो मैंने बोला इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, तो इसकी डायमेंशन है एल क्यूब। यानी डायमेंशन बता रहा है कि लेंथ कितनी बार आएगा इस फॉर्मूले में, लेंथ कितनी बार आएगा इस फॉर्मूले में, क्या इस फॉर्मूले में मास आता है। अरे भाई वॉल्यूम में कोई मास है, अरे वॉल्यूम तो वॉल्यूम है ना, उसमें कोई वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में मास नहीं आता। अरे वॉल्यूम के फॉर्मूले में टाइम आता है क्या, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में टाइम भी नहीं आता। तो देख डायमेंशन क्या है इसकी, इसकी डायमेंशन है एल क्यूब। डायमेंशन क्या है, एल क्यूब। सर 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 कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, ऐसे मुझे मजा नहीं आया। मैंने कहा एरिया देख, एरिया में हो जाएगा साइड इंटू साइड, तो तू बोलेगा एल इंटू एल। अरे एल इंटू एल यानी एल स्क्वायर, यानी इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर है। कहने का मतलब क्या है कि एरिया के फॉर्मूले में मास जीरो बार आता है मतलब आता ही नहीं, टाइम जीरो बार आता है मतलब आता है। अरे एरिया में टाइम कहाँ से आएगा रे, तो यहाँ पर कितना हो गया एल टू हो गया, एल टू हो गया। क्या बात समझ पा रहा है। सर 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 और मुझे कुछ बताओ सर, और फॉर्मूले बताओ मुझे, और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाओ। ले ले तू स्पीड ले ले, तू स्पीड ले ले बेटा, तू स्पीड ले ले, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एल होता है टाइम, टाइम वन। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई डिस्टेंस एक बार आएगा, टाइम एक बार आएगा पर नीचे। तो इसकी डायमेंशन देख, इसकी डायमेंशन क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा देख भाई लेंथ एक बार आएगा, टाइम माइनस एक बार आएगा, टाइम मतलब नीचे आएगा और मास तो होगा ही नहीं। तो यही इसकी डायमेंशन हो गई, यही इसकी डायमेंशन हो गई। यानी डायमेंशन को देख के आप बताओगे कि भाई जो फॉर्मूला था उसमें क्या क्या था, तो लेंथ एक बार था, टाइम भी एक बार था पर नीचे। सर 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 मुझे ना और समझा दो सर। तो ले बेटा एक्सेलरेशन समझ ले, तू एक्सेलरेशन समझ ले, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देख वेलोसिटी हमें क्या क्या पता है, हमें तो एम एल टी पता है, इसमें वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी को तू क्या देख, नीचे टाइम है इसको साइड कर ले, अब वेलोसिटी को कोने में लिख, अब वेलोसिटी को तोड़ दे, समझ समझ। अब मैंने एक टी को तो साइड कर लिया, अब वेलोसिटी को तोड़ रहा हूँ, वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया एल, डिस्टेंस मतलब एल वन, और टी टी दो बार, टी टू यानी लेंथ एक बार है, टी माइनस दो बार है, और मास तो है ही नहीं, यानी कि मास जीरो, लेंथ एक बार, टी माइनस दो बार। तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा कि इसके अंदर मास नहीं है, ये जो भी चीज है यानी एक्सेलरेशन, इसके अंदर मास नहीं है, खाली डिस्टेंस है एक बार और टाइम है दो बार नीचे, टाइम है दो बार नीचे। तो बेटा अब मैं बोलूंगा तू कुछ डायमेंशन को याद कर ले, कुछ डायमेंशन को याद कर ले, कसम खा ले और याद कर ले। किसका डायमेंशन, फोर्स का, जो जिंदगी भर यूज होगा, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। फिर तू डायमेंशन याद कर ले एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। फिर तू डायमेंशन याद कर ले बेटा वेलोसिटी का, जो कि है एल टी माइनस वन। फिर तू डायमेंशन याद कर ले लास्ट एनर्जी का, कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, एनर्जी का और वर्क का डायमेंशन होता है बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कैसे बना होगा देख, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स ये रहा, इसमें डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई किया तो एल स्क्वायर हो गया। क्या बात को तो समझ गया, क्या तो समझ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है बिना मास के, तो देख मास यहाँ पर नहीं है। वेलोसिटी क्या हो गया एल टी माइनस वन। इसको याद कर ले, जीवन सफल हो जाएगा। क्यों, अगर मैं तुझसे बोलूंगा फ्यूचर में कि तू मुझे प्रेशर का डायमेंशन निकाल के दिखा, तो तू बोलेगा सर प्रेशर फोर्स अपन एरिया सर, तो फोर्स कितना होगा सर, तो एम एल टी माइनस टू सर, एरिया क्या हो जाएगा सर एल स्क्वायर सर, तो प्रेशर क्या आ गया सर एम, ये एल स्क्वायर ऊपर गया तो वन माइनस टू सर, यहाँ वन है माइनस टू सर, टी माइनस टू सर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ये प्रेशर की डायमेंशन आ गया सर। दुनिया का कोई भी फॉर्मूला हो सर इजिली कर लोगे सर। जैसे एक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर आप, अगर तुम आगे का पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ चुके तो कोई दिक्कत नहीं। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या कोई भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब किसके बराबर होते हैं, स्ट्रेस के, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती, ध्यान रखना, स्ट्रेन इज द क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं होती। तो ये भी स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, ये भी स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। और स्ट्रेस पता क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये भी क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये भी क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये सारे प्रेशर के बराबर है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। और प्रेशर के डायमेंशन तो निकाल चुका है अभी, तो पीछे निकाला, तो समझ, यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, कोई भी हो, उनकी डायमेंशन और प्रेशर की डायमेंशन सेम होती है। मैंने क्वेश्चन करा दिया, फटाफट इसको नोट ले, मैं सांस लेता हूं। तो सर आपने डायमेंशन सिखा दिया सर, और डायमेंशन कैसे निकालना है सिखा दिया सर, इंपॉर्टेंट याद करना भी सिखा दिया सर, आगे क्या, अब हम सीखेंगे
कि भाई डायमेंशन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन डलेगा टॉपिक हमारा फटाफट। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन सर, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। मेरे 30 सेकंड खराब हो गए लिखने में, डेट्स वाई आई डोंट लाइक राइटिंग ब्रो। ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में पहला समझ, पहला एप्लीकेशन क्या है, टू चेक करेक्टनेस या वैलिडिटी, टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, ऑफ अ फॉर्मूला। एक फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं वो डायमेंशन से पता लग जाएगा। कैसे डायमेंशन से पता लग जाएगा सर, बताओ सर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देख एग्जांपल को समझ। तू हमेशा यही करेगा, एक क्वेश्चन करवाऊंगा बस, ध्यान रखियो। टू करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। देख एग्जांपल, देख एग्जांपल, देख मैंने लिखा, देख मैं लिखा कि कोई कहता है एस इज इक्वल टू यू, चल ये भी मतलब सबसे ईजी फॉर्मूला ले, तू सबसे ईजी फॉर्मूला लिख, फोर्स कहता है मास इंटू एक्सेलरेशन। या कोई ये ऐसा कहता है कि आइंस्टाइन ने बनाया था एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आइंस्टाइन ने सही बनाया है? तो कैसे चेक करेगा तू, तू डायमेंशन की हेल्प से चेक करेगा। कैसे चेक करेगा तू, लिखेगा देख, तू लिखेगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में तेरे पास ये है, राइट हैंड साइड में ये है। अब तू ई का डायमेंशन लिख दे, एनर्जी का डायमेंशन लिख। सर ने पीछे याद करवाया था, याद कर एनर्जी का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू लिख दे। अब तू राइट हैंड साइड क्या तेरा एम सी स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन लिख एम सी स्क्वायर। एम का मतलब मास, कैपिटल एम, सी मतलब होता है बेटा स्पीड, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड, स्पीड का सर ने याद करवाया था, याद कर स्पीड का या वेलोसिटी का याद करवाया था एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। पीछे देख, पीछे देख, पीछे देख, तो ये हो गया एल टी माइनस वन का स्क्वायर, तो एल टी माइनस वन का स्क्वायर। तो देख बेटा ये क्या बन गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और क्या तेरा राइट हैंड साइड वाला डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? अगर इक्वल है इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। क्यों? इधर का भी डायमेंशन सेम, इधर का भी डायमेंशन सेम, मतलब दोनों सेम क्वांटिटी है, यानी फॉर्मूला सेम सही था, फॉर्मूला सही था। तो तू चेक कर सकता है करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। अच्छा एक और बात मैं बताता हूँ तेरे को, बताता हूँ देख, ध्यान रखियो छोटी सी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है ऐसा मान ले। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ देख। मैंने कहा 3 plus आम, आंसर बता। अरे आंसर बता 3 plus आम, तू बोलेगा मुझे नहीं पता, तू बोलेगा मुझे नहीं पता क्योंकि ये नंबर है, ये आम है। अरे कैसे जोड़ेगा? मैंने कहा तेरे को 3 plus 3, तूने तुरंत बोला 6, तुरंत बोला 6। इससे तुझे क्या समझ में आता है? इससे तुझे ये समझ में आता है सेम चीज को ही सेम चीज के साथ जोड़ सकते हैं, सेम चीज को ही सेम चीज के साथ जोड़ सकते हैं। ध्यान रखियो, यानी जब भी दो चीज या घटा सकते हैं। मैंने बोला 3 minus 2 आम, आंसर बता, नहीं पता तेरे को आम को 3 से कैसे घटाएगा, लेकिन मैं लिखता यहां पर 3 minus 2, तू बोलता 1। यानी कि सेम चीज को सेम से जोड़ सकते हैं और सेम चीज को सेम से घटा सकते हैं। दोबारा लिख रहा हूं मैं, सेम चीज को सेम से जोड़ सकते हैं, सेम चीज सेम से जुड़ेगा, से जुड़ेगा, जुड़ेगा या घटेगा, या घटेगा। ध्यान रखियो, ध्यान रखियो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जांपल के तौर पे देख, मैंने लिखा 2 meter plus 3 meter, तूने बोला 5 meter, दोनों सेम है, दोनों के डायमेंशन सेम है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। यानी लेंथ 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 ही देगा, जब लेंथ में लेंथ ऐड होगा लेंथ ही देगा, मतलब डायमेंशन के रूप से देख, ये मत सोच कि लेंथ प्लस लेंथ उतना बढ़ जाएगा, नहीं वो तो अलग चीज़ है, वो मैथमेटिक्स है, पर बेसिक समझ, लेंथ में लेंथ जुड़ता है। मैंने बोला 2 arm plus 2 arm, तो बोलेगा सर 4 arm, कितने आम? 4 arm, यानी आम में आम जुड़ता है, आम में क्या जुड़ता है? आम। यानी हम ये समझ गए, जब भी दो चीज़ें जुड़ी होगी उनका डायमेंशन सेम होगा, जब भी दो चीज़ें जुड़ी होगी उनका यूनिट सेम होगा और डायमेंशन भी क्या होगा? सेम। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन दूँ आपसे, एक क्वेश्चन मैं ऐसे पूछता हूँ मजाक मजाक में, सुन। मैंने बोला a plus b equal to 7 meter, क्या मतलब है कि a भी मीटर में होगा और b भी मीटर में होगा, यानी इसका डायमेंशन भी l है और इसका डायमेंशन भी क्या l। समझ इस बात को, सेम चीज़ सेम से जुड़ता है। अगर ये मीटर है यानी ये इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन l होगा। इसका मतलब क्या है कि जो जुड़ने वाले दो चीज़ है वो भी l l होंगे। बहुत बेसिक सी बात है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं एक और क्वेश्चन दूँ, मैंने ऐसे बोला देख a a ठीक है a ऐसे करके a square plus 2 is equal to 8, इसका मतलब क्या है? 8 meter लिख देता हूँ मीटर। इसका मतलब क्या है? अगर ये इसका डायमेंशन l है, मीटर मतलब लेंथ, तो ये भी लेंथ रहा होगा, ये भी डिस्टेंस रहा होगा, तो ये भी डिस्टेंस है।
ए स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी? एल। ए स्क्वायर की डायमेंशन भी क्या रहेगी? एल। क्या बात समझ गया? अगर तेरे से बोलता है कि सिर्फ ए की डायमेंशन बताओ, सिर्फ ए, तो हो जाएगा रूट एल, है ना? बात समझ पा रहा? रूट एल का मतलब एल की पावर 1/2 इसकी डायमेंशन हो गई ए की। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ तेरे से, क्वेश्चन देख, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पी प्लस ए वी माइनस बी इजिकल टू आर टी। वो तेरे से बोलता है पी है प्रेशर, पी क्या है? प्रेशर, और वी है वॉल्यूम, वी है वॉल्यूम। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो बता ए और बी की डायमेंशन क्या होगी? ए और बी की डायमेंशन क्या होगी बता मेरे बच्चे। तो तू बोलेगा देख भाई, अगर ये प्रेशर है और जुड़ा हुआ है तो ए भी प्रेशर होगा। तू सॉल्यूशन में लिखेगा देख ए तो प्रेशर है, ए क्या है? प्रेशर। तो जो डायमेंशन प्रेशर की होगी, याद करवाया था मैंने, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो एम एल टी माइनस टू, और एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर आ गया। तो ए की डायमेंशन किसके बराबर होगी? प्रेशर के डायमेंशन के बराबर है। उसने बोला है वी वॉल्यूम है और बी उससे घटा हुआ है, यानी बी भी वॉल्यूम होगा। तू बोलेगा बी तो वॉल्यूम के बराबर होगा। क्यों? सेम चीज सेम में जुड़ता है, सेम चीज सेम में घटता है। यानी कहीं भी दिखाई दे दो चीज जुड़ी हुई है तो डायमेंशन सेम है, दो चीज घट रही तो डायमेंशन क्या है? सेम। तो वी का वॉल्यूम कितना होगा? वी का वॉल्यूम होगा एल क्यूब। इस प्रकार से तू हजारों लाखों क्वेश्चन कर सकता है, कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे देख एक्स क्यूब बी, ठीक है ना, एक्स क्यूब बी, और नीचे लिख दे कुछ भी, मान लो वाई लिख दे, और प्लस 3 मीटर इजिकल टू 4 मीटर। कहने का मतलब क्या है? देख अगर दो चीज़ें जुड़ी हुई है, अगर ये मीटर है तो ये भी क्या होगा? मीटर। ये भी क्या होगा? मीटर। ये भी क्या होगा? मीटर। तो ये पूरा मीटर के इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा? एल के डायमेंशन के बराबर। तो ऐसे लिखेगा एक्स क्यूब बी प्लस वाई जो है वो एल के बराबर है, डायमेंशन के बराबर है। बात समझ पा रहा है? तो यहाँ से तू इजीली कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है बड़े आसानी से। अच्छा, और भी क्वेश्चन अगर तुम्हें करवाना है तो तू कमेंट लिखना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन का स्पेशल बना दूंगा। वैसे मुझे लगता है तू कर लेगा, मैं लास्ट में चल बता भी दूंगा एक दो क्वेश्चन, ठीक है? फटाफट इसको नोट कर फिर आगे बढ़ते हैं। देख अगला क्वेश्चन मैंने लिया है चेक करने के लिए कि ये डायमेंशन सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करेगा तू? पहले देख, तू लिख ले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तू लिख ले राइट हैंड साइड, और देख यहाँ पर एस, एस का मतलब मास जीरो होगा, एल वन टी जीरो, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड निकलेगा, राइट हैंड साइड निकाल। ये तेरा स्पीड, स्पीड यानी एल टी माइनस वन, और ये क्या है? टी, टी यानी टाइम, टी। तो देख टी से टी चला गया माइनस वन और ये वन होगा, तो ये चला गया, ठीक है। इधर प्लस, इसमें प्लस में है ना कुछ और भी, देख प्लस में क्या है? प्लस में है हाफ, हाफ की डायमेंशन नहीं होती, कॉन्स्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। नंबर का डायमेंशन क्या होगा? ना मास, ना लेंथ, ना टाइम। एक्सेलरेशन क्या याद करवाया तुझे मैंने? एल टी माइनस टू, पीछे देख, पीछे देख, और टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। तो देख बेटा ये कट गया इससे, ये इससे कट गया, यहाँ एल बचा, यहाँ भी एल बचा, देख समझ इस बात को। तो मैंने कहा था ना जब दो चीज़ें जुड़ी हो तो डायमेंशन सेम होती है, सेम है डायमेंशन, और जुड़ने के बाद एल प्लस एल क्या आएगा? टू एल, यानी ये भी तो लेंथ ही है, और टू की डायमेंशन होती नहीं है, कॉन्स्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। देख 1 2 3 क्या है ये? कुछ है ही नहीं है। तो देख इसकी डायमेंशन नहीं होती, ये हट गया, तो यहाँ क्या बचा? राइट हैंड साइड में एल ही तो बचा। देख इस, देख यू और टी में ना टी से टी गया, यहाँ पर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, एल बचा, एल बचा, एल प्लस एल, टू एल हुआ, टू की डायमेंशन नहीं होती, कॉन्स्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, तो एल आंसर क्या बचा? एल। और इस साइड भी क्या है? इस साइड भी तो एल ही है ना, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने पहला एप्लीकेशन देख लिया हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। अब अगला एप्लीकेशन हम देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे कि, ठीक है ना, कन्वर्जन, कन्वर्जन सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट, टू अनदर यूनिट, टू अनदर यूनिट। ये इसका सेकंड एप्लीकेशन है, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल देख, कुछ चीज़ों को याद कर ले, तेरे से को कभी कोई बोले डाइन, तो डाइन पता है क्या होता है? फोर्स। क्या होता है? फोर्स की यूनिट, कौन सी यूनिट? सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली यूनिट, ध्यान कर ले बस। सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की, ऐसा ही नहीं सीजीएस, डाइन। वैसे कोई जिससे बोले अर्ग, अर्ग भी क्या होता है? ये होता है एनर्जी का, क्या होता है ये? एनर्जी का सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या बात समझ में आ गया? डाइन, अर्ग, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखियो, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट, तेरे से क्वेश्चन ऐसा आएगा, मैं बताता हूँ। देख क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, तो इसको नोट कर, चल आ जा मेरे शेर, आ जा मेरा बेटा, क्वेश्चन देख, क्वेश्चन देख, क्वेश्चन देख। कह रहा है कि तेरे को न्यूटन से डाइन में जाना है। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, और डाइन क्या होता है बेटा? डाइन सीजीएस यूनिट, यानी हमें एक यूनिट से अगले यूनिट में जाना है। अब तरीका क्या रहेगा? तरीका देख, तरीका ये रहेगा, ध्यान रखिए हमेशा,
N1 लिखना है, बताऊंगा N1 क्या है, यहाँ M1, ठीक है, यहाँ L1, यहाँ T1, और इधर लिखेगा तू M2, ठीक है, L2, T2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दे, ध्यान दे, और यहाँ पर N2, या N2 N1 क्या समझाऊंगा, यहाँ तू A लिख, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, अब समझ, यहाँ पर N1 क्या है, N2 क्या है, और ये बाकी सारे क्या है, समझाऊंगा इसी क्वेश्चन से, एक और क्वेश्चन ऐसा ही कराऊंगा, ध्यान दे। क्वेश्चन कहता है N1 पता है क्या होता है, देख दो सिस्टम है, एक पहला सिस्टम इसको बोलते हैं जो पहले लिखा होता है, जो पहले लिखा होता है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं हम सेकंड सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम है। तो देख N1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तेरे फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू। N2 क्या होगा, तो सेकंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ध्यान रखिए बेटा, समझाऊंगा मैं क्या है इसका मतलब। अच्छा M1 L1 T1 क्या है कि फर्स्ट सिस्टम में मास कैसे लिया गया है, सेकंड सिस्टम में लेंथ कैसे लिया गया है, फर्स्ट सिस्टम में मास कैसे लिया, फर्स्ट सिस्टम में लेंथ कैसे लिया, ये समझाऊंगा, और ये भी समझाऊंगा M2 L2 क्या है, T2 क्या है, रुक जाओ क्वेश्चन को समझो पहले। और यहां पर ABC क्या है, देख ABC कहां से निकलेगा, ABC निकलेगा इसको देख के, ABC है न्यूटन, क्या है देख यहां पर ABC कैसे निकलेगा, देखिए न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, न्यूटन मतलब फोर्स, न्यूटन का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब क्या हो गया, MLT-2। तो यहां पर देख A होता है ये, B होता है ये, और C होता है ये, तो A कितना हो गया 1, B हो गया तेरा 1, और C हो गया तेरा -2। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तुझे आ जाएगा, देख इसी क्वेश्चन को अब हम प्रैक्टिस की तरफ करते हैं। क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई तू 1 न्यूटन को कितने अर्घ होंगे, अर्घ में कन्वर्ट, डाइन में कन्वर्ट कर, डाइन में, ध्यान दे क्वेश्चन करेंगे आ जाएगा, डाइन तेरे को डाइन में कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को, तो तू बोलेगा यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, N1 हो गया तेरा 1, और डाइन में न्यूमेरिकल वैल्यू तुझे निकालना है, बोला ना कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, कितने डाइन होंगे मुझे नहीं पता, तो उसको बोला मैंने N2 जिसको मुझे निकालना है। अब ABC निकाल ले, ABC कैसे निकालेगा, न्यूटन का मतलब क्या होता है फोर्स, अब फोर्स का मतलब क्या हो गया MLT-2, तो यहाँ पर ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, तो A1 हो गया, B1 हो गया, C-2 हो गया। अब तू फॉर्मूला लगा दे फॉर्मूला, उससे पहले मेरी बात को ध्यान दे, ये तेरा फर्स्ट सिस्टम है, ये तेरा सेकंड सिस्टम है, ठीक है, तेरे को ये वैल्यू पता है, ये पता है, अब समझ फर्स्ट सिस्टम जो है न्यूटन है, क्या है न्यूटन, इसमें मास किस में लेता है, तो मास लेता है kg में, ठीक है, लेंथ किस में लेता है मीटर में, और टाइम किस में लेता है तू, टाइम लेता है सेकंड में, तो ऐसे लिख दे। अब यहाँ पर डाइन, डाइन मतलब CGS, याद कर लिखवाया था मैंने CGS, डाइन का मतलब क्या होता है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो यहाँ पर तू मास को लेता है, मास को लेता है ग्राम में, ठीक है, लेंथ को लेता है तू सेंटीमीटर में, और टाइम यहाँ पर सेकंड में। अब तेरे को समझ में आया, ये हो गया M1 L1 T1 M2 L2 T2। अब क्वेश्चन को लगा, क्वेश्चन को लगा, फॉर्मूले को लगा, हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चे, फॉर्मूला क्या था मेरे बच्चे, तेरे को लिखना है यहाँ पर ऐसे N1, याद कर लिखना है N1 M1 L1 T1, सब पे ऐसे डब्बा लगाना है, और ठीक है, और यहाँ पर तेरा हो जाएगा M2 L2 T2 और यहाँ पर N2। बात समझ, तेरे को सारी वैल्यू पता है, देख तेरे को N2 निकालना, यही तेरा टारगेट है कि कितने डाइन होंगे, 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे। तू फटाफट बेटा, तू एक काम कर, तू M1 बाई M2 कर ले, उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी A है, B है, C, A, B, C, पावर में कॉमन आ जाएगी। देख M2 के नीचे M को ले जा, पावर कॉमन आ गया, L1 के नीचे L2 ले जा, पावर कॉमन आ गया, T1 के नीचे T2 ले जा, पावर कॉमन आ गया, तो यहाँ से मिल गया तेरे को N2। अब वैल्यूज पुट कर दे, वैल्यूज पुट कर, फटाफट आंसर आ जाएगा। देख N1 कितना है, N1 है 1, N1 कितना है 1, M1 कितना है, M1 है kg, kg मतलब kg लिख दे, चल मैंने kg लिख दिया, और नीचे कितना है, नीचे है g, ग्राम, ठीक है। आगे देख L1 कितना है, L1 है मीटर, कितना है मीटर, और नीचे कितना, नीचे क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है भाई। टाइम कितना है, सेकंड, ऊपर भी सेकंड, नीचे भी, ठीक है, यहाँ पर N2 हो गया। अब पावर पुट कर ABC, A कितना था याद कर, A1, B1, C था -2, MLT-2। अब देख क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया, अगर सोच तेरे को इसको काटना है, तो ऊपर ग्राम किलोग्राम, तो देख ऊपर लिखेगा तू 1000, तभी कटेगा। देख किलोग्राम का मतलब, देख इसको लिखेगा 1 किलोग्राम है ना, ये 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बाई ग्राम, अब ग्राम से ग्राम कटेगा, के का मतलब 1000 होता है, बात खत्म।
मीटर का मतलब होता है इसकी पावर 1 थी, मीटर का मतलब क्या होता है 100, 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, अब कटेगा ये, पावर है 1, सेकंड बाई सेकंड ये तो कट ही गया -2, तो देखा आंसर आ गया N2 आ गया, N2 कितना आया देख, N2 मतलब डाइन, तो यह हो गया यहाँ से 1000, यहाँ से 100, यानी 10 की पावर 5, ठीक है, तो ये आ गया N2, यानी N2 क्या था CGS डाइन वाला, तो 10, तो हम क्या बोलेंगे भाई एक न्यूटन जो है ना वो है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। तो ये देख एक यूनिट से अगले यूनिट में हमने कन्वर्ट किया, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दूँ देख, मुझे पता है तेरे को नहीं आया समझ में क्योंकि तू जीवन में पहली बार पढ़ रहा है, अगर दूसरी बार पढ़ रहा है तेरे को आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो पॉज कर बढ़िया से इसको देख बेटा, कम समय में ना इतना ही मिलेगा, और दिल से बोल रहा हूँ मैं बहुत बेस्ट बहुत बढ़िया करवा रहा हूँ, जितना करवा सकते इतने कम टाइम में करवा, तो इससे बढ़िया भी सकते, ठीक है। अब सुन बेटा नहीं आया तो बता मेरे को, मैं करवाऊँगा दोबारा, कमेंट में लिख मैं पक्का करवाऊँगा। देख सुन बेटा, अगला आएगा कन्वर्ट वन जूल इंटू अर्ग, तो क्या बोलेगा, तू बोलेगा फर्स्ट सिस्टम क्या है जूल, दूसरा क्या है अर्ग, अर्ग मतलब सर ने बोला CGS, क्या बोला CGS, जूल का मतलब क्या N1 कितना हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर N2 मुझे निकालना है, ठीक है। अब देख जूल का मतलब क्या होता है, जूल का मतलब एनर्जी, याद कर एनर्जी, और एनर्जी का क्या लिखवाया सर ने ML² T-2, एनर्जी का यही लिखवाया ना मैंने ML², अच्छा ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा था, पीछे भी दिखाई नहीं दिया होगा क्या बेटा, पीछे का भी दिखाई नहीं दिया क्या, कोई है भी तो नहीं यार पीछे जो बताया, दिख रहा है नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है पीछे का, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें पीछे का कैसे, पीछे का क्या सीन था, पीछे का कहाँ लिख रहा था मैं, पीछे का पता नहीं तुम्हें दिखा नहीं दिखा, अच्छा अगर नहीं दिखा हो तो तुम समझ तो गए होंगे। देख पीछे कैसे हुआ है, देख पीछे एक बार देख ले बेटा, ये मैंने ABC कहाँ से निकाला है, फोर्स से, ए मैंने बता तो दिया होगा शायद पीछे, मुझे याद नहीं है, पीछे मैंने हाँ बताया था कि ABC हम कैसे निकालेंगे, ये तो दिख ही रहा होगा, उम्मीद करता हूँ भगवान से, दिख रहा हो तो अच्छी बात हो, ना दिख रहा हो तो भाई मेहनत ख़राब मेरी, मेहनत कैसे ख़राब, इस वाले क्वेश्चन से सिखा देंगे हम, और क्या। देखो जैसे एनर्जी होता है ना जूल, जूल एनर्जी होता है ML2T-2, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए कितना आ गया, देख यार मूड ख़राब हो गया, बता तेरे तुम्हें दिखा नहीं होगा शायद, छोड़ो हटाओ अब मेहनत तो कर ही रहे क्या कर सकते हैं। तो देख ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी माइनस 2, तो ABC निकाल लिया मैंने, साइड में लिख देता हूँ, A1 हो गया, B2 हो गया, C-2 हो गया, ठीक है बेटा, अफटाफट मुझे लगता है कि मुझे जोश में अपना हौसला मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे काम करते रहना चाहिए, तो करता हूँ मैं काम, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मेरी मेहनत ना ख़राब हो गई हो, मैंने पीछे का दिखाया नहीं दिखा आपको, पता नहीं चला मुझे, चलो ध्यान दो अगली बार। अब क्या है ये N1 मिल गया, N2 निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, फॉर्मूला कहता है N1 M1/M2, याद कर लो अब तो, M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको N2। अब देख N1 कितना है, N1 तो 1 है, M1 होगा 1000, याद है तुम्हें ऐसा यूनिट है ना जूल, जूल मतलब 1000, और नीचे कितना कट जाएगा 1 बचेगा, याद कर पावर कितनी है इसकी, M की पावर देख 1 निकली थी, A L L मीटर, L कितना होगा, L मीटर में होगा, मीटर में यानी 100, तुम्हें तो याद ही हो गया ना, पीछे तो करवाया मैंने, फिर यहाँ पर टाइम सेकंड में, सेकंड से सेकंड कट ही जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पर, ये N2, तो देख यहाँ पर क्या है समझ, यहाँ पर क्या बोला मैंने, B की पावर 2 थी, यहाँ पर 2 आएगी पावर, B2 था ना B, तो यहाँ आ गया 1000, यहाँ आ गया 4, तो ये हो गया 3 और 4 7 हो गया 10 के पावर 7 जूल, तो N2 कितना आ गया, N2 आ गया 10 की पावर 7, और N2 किस में था, N2 था अर्ग में, तो 10 की पावर 7 अर्ग। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, कि कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा अगला एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भाई। थर्ड एप्लीकेशन क्या कहता है कि भाई आप किसी भी फॉर्मूले को बना सकते हो इसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से, आप किसी भी फॉर्मूले को बना सकते हो डायमेंशन की हेल्प से। जैसे मैं देख बना रहा हूँ डायमेंशन की हेल्प से फॉर्मूला, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको स्टेटमेंट कि भाई एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वो बोलेगा कि सिंपल पेंडुलम जो है ना ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट, तो ऑसिलेट करने पर क्या होता है कि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आएगा कुछ देर बाद, उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, एक चक्कर का टाइम। तो बोलेगा कि देखो इसका टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड वो लेंथ पे डिपेंड करता है, इसका टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेगा, प्रोपोर्शनल या डिपेंड बोलेगा, या इसका टाइम पीरियड ना
एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ये जी क्या है? जी है बेटा एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है एक्सेलेरेशन। तो बोलेगा कि भाई तो एक काम कर, मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता। तो आपको क्या करना है, इनकी पावर माननी है ए बी सी, फिर आपको लिखना है कि कंबाइन कर रहा हूँ मैं, जो जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा होगा उसको कंबाइन करेंगे। वो क्वेश्चन बोले, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डिपेंड्स अपॉन मास, डिपेंड्स अपॉन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। तो मैंने बोला इन सबको कंबाइन कर देंगे, तो यहाँ पर एक कंबाइन करेंगे ना, सब कंबाइन हो जाएगा, एल ए एम बी जी सी, और यहाँ पर आ जाएगा के। क्या आ जाएगा यहाँ पर? के। अब तुम पता क्या करोगे, तुम ना तुम फटाफट अब डायमेंशन का इस्तेमाल करोगे। आप बोलोगे देखो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन है टाइम, यहाँ तो मास जीरो है, लेंथ भी जीरो है, और इस साइड डायमेंशन कुछ ना कुछ आनी है, तो फटाफट इसकी डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है? तो आप फटाफट डायमेंशन निकालो, डायमेंशन निकालो। देखो इस तरफ की डायमेंशन पता लग गई, एम जीरो एल जीरो टी वन, और यहाँ के डायमेंशन निकालो। देखो अगर इक्वल का साइन है, डायमेंशन भी इक्वल होना चाहिए ना डायमेंशन, तो के का डायमेंशन नहीं होता, कॉन्स्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। लेंथ का हो गया एल ए, मास का हो गया एम बी, और ग्रेविटी का मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है याद करो, एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू की पावर सी। अब देखो अभी भी सेम चलेगा, एम जीरो एल जीरो टी वन। बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बस ए बी सी इसमें पुट करना, आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है? तो आप निकालोगे एल हो जाएगा सी, सी से मल्टीप्लाई करो ए प्लस सी। एम क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है थर्ड एप्लीकेशन है टू डराइव एनी फार्मूला, किसी भी फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम लेंथ पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड का साइन है, डिपेंड का साइन जो मैंने ये बनाया ना, ये डिपेंड का साइन है, ठीक है? डिपेंड करता है, और मुझे नहीं पता कि कैसे डिपेंड करता है, तो मैंने लिख दिया ए बी सी, मैंने कंबाइन किया, ये मेरा फार्मूला बन के तैयार हो गया, ये मेरा फार्मूला बन के तैयार हो गया। मुझे ए बी सी निकालना है, ए बी सी निकाल के मैं पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये अब मास क्या हो गया बी, और टाइम कितना हो गया माइनस का टू सी। अब बोलोगे सर कैसे, देख ये लेंथ ए है यहाँ से, और लेंथ सी यहाँ से मिला, तो ए प्लस सी हो गया, बेस सेम पावर एड। अब मैं क्या करूँगा, पावर कंपेयर करूँगा, कंपेयर। देख यहाँ मास जीरो, यहाँ बी जीरो हो गया, क्यों? पावर कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ लेंथ है जीरो, यहाँ ए प्लस सी जीरो हो गया, ए प्लस सी जीरो हो गया। यहाँ टाइम है माइनस टू सी, यहाँ पर वन है, तो माइनस टू सी इक्वल टू वन, तो सी इक्वल टू हो गया माइनस वन बाई टू। सी कितना आ गया? माइनस वन बाई टू। अगर सी माइनस वन बाई टू आ गया तो ए आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा? माइनस सी के बराबर, तो यहाँ पर माइनस और माइनस वन बाई टू, क्यों? सी तो वन बाई टू है ना, तो आंसर आ गया वन बाई टू। यानी मेरे को ए मिल गया वन बाई टू, सी मिल गया वन बाई टू, अब मेरे को ए और सी मिल गया तो मेरे को क्वेश्चन भी मिल गया। देख देख यहाँ पर ए की वैल्यू मुझे पता लग गई, अब मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। देख तो टाइम आ गया क्या के, एल का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब ए, एल मतलब वन बाई टू, ठीक है? एम का मतलब जीरो, एम पे डिपेंड नहीं करता, और जी का मतलब क्या था, जी का मतलब माइनस वन बाई टू। तो यही फॉर्मूला है, देख ये तो मास हट गया, तो के एल की पावर रूट, और जी की पावर माइनस हाफ, यानी नीचे आके रूट, नीचे आके रूट। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, के अंडर रूट एल बाई जी, के अंडर रूट एल बाई जी, बात समझ पा रहा है? और के की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट है न्यूमेरिकली पता कितना आता है, टू पाई, तो इसको बोलते हैं हम टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये कांस्टेंट आया है हमारा एक्सपेरिमेंट से, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो ये टाइम का फॉर्मूला है। इस प्रकार से दुनिया जहान के किसी भी फॉर्मूले को हम इसलिए ड्राइव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आखिरकार हम पहुँच गए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की क्या लिमिटेशन है, डायमेंशन की लिमिटेशन, देखो स्केलर या वैक्टर पता नहीं चलता। मैंने बोला एल टी माइनस वन, आप बोलोगे ये स्पीड भी हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना ये, और ये वेलोसिटी भी हो सकता है। तो ये स्पीड है कि वेलोसिटी हमें पता नहीं लगता, यही है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है? दूसरा क्या, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर पता नहीं लगता, ठीक है ना? सॉरी मैंने क्या बोला, हाँ स्पीड है कि वेलोसिटी पता नहीं लगेगा, यानी स्पीड तो स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। तो स्केलर है या वेक्टर इसको देख के पता नहीं लगता, डायमेंशन को देख के। ये स्पीड भी हो सकता है और वेलोसिटी भी हो सकता है, यानी स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। दूसरा क्या है, कैन नॉट ड्राइव ऑल द फॉर्मूला, हम दुनिया के सारे फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। देखो जैसे y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, आपने पढ़ा ना SHM की इक्वेशन, तो ये थोड़ी डायमेंशन ड्राइव कर लेंगे, या फिर ये इक्वेशन भी डायमेंशन से ड्राइव नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक एडिशन एक्स्ट्रा टर्म है। देखो एक्स्ट्रा टर्म आ गया ना, तो जब भी ऐसे एडिशन वाले या सब्ट्रैक्शन वाले टर्म्स होते हैं उसको हम डायमेंशन से ड्राइव नहीं कर सकते। ऊपर से डायमेंशन जो है कॉन्स्टेंट के बारे में कुछ बोलता नहीं है,
मैंने बोला थ्री तो उसको नहीं पता यार थ्री, मैंने बोला फोर तो उसको डायमेंशन को नहीं पता फोर, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये था चैप्टर, एंड हो गया, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, अगर आपको जो भी समझ में नहीं आया, जो भी फास्ट लगा हो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनको पहले से आता है, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे बोलो, मैं इसको एक जैसे 40 मिनट की जगह 60 मिनट का बना लेंगे, डेढ़ घंटे का बना लेंगे, पर एक प्रॉपर तरीके से बढ़िया भी बना सकते हैं। वैसे जो नहीं आया वो बताओ मुझे, मैं करवाऊँगा तुम्हें, ठीक है, बाय।